वर्तमान में अभी कोरोना वायरस को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो भी 5 वर्ष तक की सजा वाले विचाराधीन बंदी हैं, ऐसे बंदियों को चिन्हित करके और संबंधित न्यायालयों को इनके प्रकरण भेज करके जमानत करवाया जाए। तो हमारे इस जेल से 22 विचाराधीन बंदी 45 दिवस के अंतरिम पैरोल पर छूटे हैं। वर्तमान में 106 बंदी जेल में निरुद्ध हैं। हाँ, इन शासन के दिए गए निर्देशानुसार काफी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत इनको सैनिटाइजर, इनके हाथ बार बार इनको साबुन, अतिरिक्त साबुन भी दिए गए हैं, सैनिटाइजिंग से भी हाथ धुलवाए जा रहे हैं इनके, और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, मास्क दिए गए हैं, ये है। और प्रॉपरली अगर किसी बंदी को ठीक या किसी भी प्रकार की सर्दी जुकाम हो, उसे तत्काल उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ सभी बंदी स्वस्थ हैं, इस प्रकार का कोई समस्या अभी नहीं है। कोरोना वायरस की बीमारी, गंभीर बीमारी को देखते हुए अभी शासन ने हाल ही में ये हुआ कि जो बंदी पैरोल पे, जो पहले 42 दिन की पैरोल होती थी उनकी, अब उनकी पैरोल जो है आपात स्थिति में 60 दिवस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी बंदी आजीवन कारावास के हैं, अब वो 60 दिवस की पैरोल अभी गंभीर बीमारी के चलते वो एक साथ इसका उपभोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर और आवश्यक जो दवाइयां छिड़काव करवाई जा रही है, हमने व्यक्तिगत प्रयास करके, हमने निजी, हमारा एक जेल आरक्षक है अमर कुमार पांडे, उसको छिड़काव करना आता है, किसान आदमी रहा है, तो वो दवाइयां हमने पर्सनल व्यवस्था करी और एक दवाई की सीसी हमें नगर पालिका से प्राप्त हो गई। तो वो हमारे यहाँ, हमने हर आए दिन, 2 दिन में हम पूरी जेल में सैनिटाइजर करवा रहे हैं, और हमें मास्क सिविल अस्पताल से प्रयास करने से कुछ मिल गए हैं, और कुछ हमने व्यक्तिगत प्रयास करके स्टाफ को और बंदियों को दिए हैं। यहाँ पर हमारे अंशकालिक चिकित्सक हैं, वो आते हैं, और अभी बंदी हमारे यहाँ नवीन आमद में तो कोई बंदी, अभी एक बंदी ही आया था 24 तारीख को, उसके बाद से कोई भी नवीन आमद हमारे जेल में दाखिल नहीं हुई है, पुराने ही बंदी हैं और वो स्वस्थ हैं।